हेलो दोस्तों, नमस्कार। हल्द्वानी उत्तराखंड से मैं डॉक्टर राम सेवक वर्मा अपने चैनल होम्योपैथी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में बात करते हैं पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इसी को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी कहते हैं। सिंड्रोम का मतलब होता है लक्षणों का समूह, ए ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। दोस्तों, महिलाओं में जब मेल हार्मोन एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन की मात्रा सामान्य से बढ़ जाती है, तब 15 से 40 वर्ष की उम्र की महिलाओं में ये परेशानी देखने में आती है। एक सर्वे के मुताबिक, एक स्टडी के मुताबिक, दुनिया में करीब 20% महिलाओं को ये बीमारी के कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इसमें से काफ़ी कुछ तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन बहुत जगह इसमें इलाज की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, फीमेल्स में यूटरस के दोनों ओर एक एक ग्लैंड होती है। इस ग्लैंड को ओवरी यानी अंडाशय कहा जाता है। इस ओवरी का काम होता है फर्टिलाइजेशन के लिए ओवम बनाना और हार्मोन रिलीज करना। इसमें निरंतर अंडा बनाने की प्रोसेस चलती रहती है। पीरियड शुरू होने के 14वें दिन एक स्वस्थ अंडा ओवरी से रिलीज होता है, जो फैलोपियन ट्यूब से होकर के यूटरस में जाकर के स्पर्म का इंतजार करता है। यदि इस बीच इसे स्पर्म मिल जाते हैं तो प्रेगनेंसी स्थापित हो जाती है। इस अंडे की आयु जो है करीब 24 घंटे के आसपास होती है। 24 घंटे में अगर स्पर्म इसे मिल जाते हैं तो प्रेगनेंसी स्थापित हो जाती है, और अगर इस दौरान उसे नहीं मिलते हैं तो अंडा एक्सपायर हो जाता है और जो ओवरी है वो फिर से अपना एंडोमेट्रियम बनाने लगती है। अंडे बनाने का काम फिर से शुरू हो जाता है और निश्चित समय पर इसे फिर से पीरियड देना है। यदि प्रेगनेंसी स्थापित हो जाती है तो अंडे बनाने का काम रुक जाता है और उसका पूरा काम इस प्रेगनेंसी को एस्टेब्लिश करना, इसे विकसित करना, इसको डेवलप करना का होता है। यदि किसी कारण से महिलाओं में जो मेल हार्मोन है एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन की मात्रा सामान्य से बढ़ जाती है, या यूँ कहें कि उनका जो फीमेल हार्मोन है एस्ट्रोजन, उसकी मात्रा सामान्य से कम हो जाती है, तो ये परेशानी पैदा होती है। हमने अपने गायनेकोमास्टिया के वीडियो में बताया था कि जब कभी हार्मोन का इम्बैलेंस होता है, हार्मोन का संतुलन बिगड़ता है, यानी मेल्स में फीमेल्स के हार्मोन ज़्यादा बढ़ जाएँ या फीमेल्स में मेल्स के हार्मोन बढ़ जाएँ, तो इसमें अपोजिट सेक्स के कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं। चूँकि इसमें मेल हार्मोन बढ़ जाता है तो इसलिए ऐसी महिलाओं में, ऐसी लड़कियों में मेल्स के कुछ सिम्टम नज़र आते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, इसमें सिम्टम क्या नज़र आएंगे कि जब ये बीमारी होती है तो सिम्टम क्या नज़र आते हैं। पहला सिम्टम ये होता है कि इसमें पीरियड जो है रुक रुक के होते हैं, कम होते हैं या पीरियड नहीं होते। हमने ऐसे भी केस देखे हैं जिसमें 7-8 महीने तक पीरियड होते ही नहीं। इसमें एक मेल पैटर्न डेवलप होता है, यानी उनके जो अपर लिप्स के एरिया में हैं, इसमें और चिन एरिया में बाल आने लगते हैं, मेल की तरह बाल आने लगते हैं, और कभी कभी ये भी देखा जाता है पीठ और उनके सीने पर भी बाल दिखे जाते हैं। इसमें वजन बढ़ने लगता है, इसमें चेहरे पे कील मुहासे निकलने शुरू हो जाते हैं और स्किन ऑयली रहती है, बाल पतले और कमज़ोर होते हैं, और एक एंडोजेनिक एलोपीसिया डेवलप होता है, यानी जिस तरह से मेल्स में बाल गिरते हैं, यानी इस एरिया में बाल ज़्यादा गिरने शुरू हो जाते हैं। गर्दन, जांघें, बगल और स्तनों के नीचे कि जो स्किन है ये डार्क होने लगती है, यानी जहाँ पर भी स्किन फ्रिक्शन होता है वहाँ की स्किन डार्क हो जाती है। गर्दन और बगल में स्किन टैक्स हो सकते हैं, यानी मसे हो सकते हैं। पेल्विक फ्लोर में लगातार दर्द रह सकता है या उसे भारीपन महसूस होगा। इस बीमारी में ओवरीज कई इमैच्योर एग्स रिलीज करती है, यानी जो ओवरी अंडा बनाने का काम करती है, इसमें अंडे की जगह छोटी छोटी सिस्ट बनने लगती हैं। ये सिस्ट कोई गांठे नहीं होते हैं, ये पानी के बुलबुले होते हैं, यानी उसमें मैच्योर एग नहीं बनता, जिस कारण उनका पीरियड में नहीं होता, और जब मैच्योर एग बनता है तो उनका पीरियड भी होता है। गर्भधारण करने में परेशानी हो सकती है, क्योंकि इसमें पीरियड का कोई निश्चित समय नहीं होता है और न ही एग रिलीज करने का कोई निश्चित समय होता है। इसमें मूड स्विंग होता है, चिड़चिड़ापन आता है, बिना कारण थकान रहती है, इसमें डिप्रेशन हो सकता है, इसमें लगातार चिंता रहती है, स्लीप एपनिया हो सकती है, यानी ठीक से नींद नहीं आएगी, और तमाम तरह की मानसिक गड़बड़ियाँ इसमें उपस्थित होती हैं। दोस्तों, इसका पता अल्ट्रासाउंड से पता चलता है कि ओवरी में सिस्ट हैं, गांठ हैं, लेकिन सिर्फ अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट से ये चीज़ कन्फर्म नहीं हो जाती कि इस में पीसीओडी की समस्या है। इससे दो लक्षण होने और ज़रूरी हैं। एक तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट यदि बताती है कि ओवरी में सिस्ट हैं, दूसरा यह है कि जो पीरियड हैं ये रुक रुक के होते हैं या एब्सेंट पीरियड होंगे ही नहीं, और इसमें तीसरा लक्षण आएगा, इसमें हर्सुटिज्म के लक्षण आएंगे, यानी चिन एरिया में और अपर लिप्स में या पीठ पे और सीने पे बाल आने लगते हैं,
और एंड्रोजेनिक ओलेपिसिया होते हैं, यानी मेल पैटर्न ही डेवलप होता है। तो दोस्तों इसके कुछ कारण हैं। पहला कारण तो यही है कि ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस की बीमारी है। जब भी कभी हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ता है हाँ, तब ये परेशानी पैदा होती है। इसका दूसरा कारण है जेनेटिक हिस्ट्री, यानी यदि आपकी मदर को पीसीओडी की समस्या थी तो बहुत संभव है कि आपको भी ये परेशानी हो सकती है। इसका अगला कारण हो सकता है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, यानी बड़ी आरामदायक जीवन शैली, या यूँ कह लीजिए लैक ऑफ एक्सरसाइज, क्योंकि हमने देखा है कि जो लोग परिश्रमी होते हैं या मेहनती होते हैं, मेहनत का काम करते हैं, उनमें ये बीमारी बहुत ही कम देखने में आती है। जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड का अधिक सेवन भी इस बीमारी का कारण बनता है। इसमें हाई फैट डाइट लेने लगते हैं, तला भुना चटपटा खाना उन्हें अच्छा लगता है, और इसमें जो वजन है वजन बढ़ने लगता है और उसका अनदेखी की जाती है। इसमें एक समस्या ये भी होती है कि ये हाइपोथायरॉयडिज्म की स्थिति में भी ये लक्षण देखे जाते हैं। यदि ऐसा है तो हाइपोथायरॉयडिज्म का इलाज कराना जरूरी हो जाता है। इसमें बचाव के तरीके अगर अपनाए जाएँ तो इसमें काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। इसमें बचाव के तरीकों में तो यह है कि पहले तो एक्टिव लाइफ स्टाइल अपनाएँ, यानी एक्सरसाइज करें, सवेरे शाम वर्कआउट करें, पानी पर्याप्त मात्रा में पिएँ, लो फैट डाइट लें यानी जिसमें फाइबर ज़्यादा हो वो खाना खाएँ, और डेयरी प्रोडक्ट को कम से कम खाएँ या उन्हें अवॉइड करें। अपने वजन पर नियंत्रण रखें। अपने वजन पर नियंत्रण रखने के लिए BMI फार्मूले को अडॉप्ट करें। BMI फार्मूला है वेट इन केजीज डिवाइडेड बाई हाइट इन स्क्वायर मीटर्स। यदि इसका रिजल्ट 18 से कम है तो इसका मतलब आप अंडर वेट हैं। यदि 18 से 25 है तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपका वजन बिल्कुल नॉर्मल है। यदि वजन 25 के ऊपर बढ़ने लगे तो इसका मतलब है आप ओवर वेट हैं, और यदि ये 30 के ऊपर इसका रिजल्ट आता है तो इसका मतलब आपकी स्थिति खतरनाक है, आप ओबीज हैं, और आप अपने वजन पर नियंत्रण रखने का तत्काल प्रयास करें। इसमें पेल्विक एक्सरसाइज करनी है। पेल्विक एक्सरसाइजेज में आपको कीगल एक्सरसाइज करनी है। कीगल एक्सरसाइज में ये होता है कि आपको सवेरे टॉयलेट वगैरह हो आने के बाद में आपको नीचे पूरे पेल्विक एरिया को सिकोड़ के रखना होता है, यानी खींच के रखना होता है, और फिर उसी स्थिति में इसे होल्ड रखना है। जितनी सेकंड रोकने की आपकी क्षमता है उतने सेकंड तक आपको रोकना है, उसके बाद में इसे रिलीज कर देना, छोड़ देना है। फिर से यही करना है, फिर से आपको सिकोड़ना है और उसी अवस्था में होल्ड रखना है और फिर से छोड़ देना है। ये 6-7 बार सवेरे और 6-7 बार शाम को करना है। दूसरा आसन है कि इसमें मंडूक आसन करना है। मंडूक आसन यानी कि आपको वज्रासन बैठ करके अपनी दोनों मुट्ठियों को अपनी नाभि के आसपास रखना है और अपने सीने को अपने घुटनों से मिलाना है। ये मंडूक आसन हो गया। तो ये एक्सरसाइज करें और लगातार आप वर्कआउट करते रहें, प्राणायाम करें जिससे तनाव में कमी होती हो। टेंशन बिल्कुल न लें, क्योंकि यह क्योरेबल बीमारी है और इसका इलाज एक्सरसाइज से और दवाइयों से पूरी तरह से ठीक हो सकता है। यदि ऐसी महिलाएं जो प्रेगनेंसी चाहती हैं और उनको ऐसी भ्रांति है कि PCOD में प्रेगनेंसी नहीं ठहरती, ये भ्रांति गलत है। PCOD में यदि आप अपने डॉक्टर की जो मार्गदर्शन दवाइयाँ लेती हैं तो इसमें प्रेगनेंसी स्थापित हो सकती है। PCOD प्रेगनेंसी में बाधक नहीं है। दोस्तों आप इसमें कुछ होम्योपैथी दवाइयाँ बताते हैं जो बहुत इसमें कारगर हैं, तो हमारा सुझाव तो यही रहेगा कि पहले अपने होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएं, उन्हें अपनी स्थिति बताएं, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन को देख करके आपके लक्षणों को देख करके सुनिश्चित दवा तय करेंगे और वो देंगे और उससे पूरा फायदा होगा। तो मैं जो अपने यहाँ इस बीमारी में जब दवाइयाँ देता हूँ जिनसे जो है हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, उन दवाइयों में पहली दवाई तो है मेडुरिनम 1 mg। मेडुरिनम 1 mg की एक खुराक यानी 4 बूंद 15 दिन में 1 बार देना होता है। दूसरी बहुत कारगर दवाई है उफोरिनम 30। ये दवाई रोज़ 3 बार लेनी है, 4-4 बूंद या 4-4 गोली रोज़ 3 बार लेना है। एक हार्मोनल इम्बैलेंस सही करने की दवाई है थूजा 1 mg। हम ये अपने यहाँ ये गोली दवाई 4-4 गोली शाम को 1 बार देते हैं, यानी रोज़ाना इसे 1 बार लेना है। इसके अलावा एपिस मेलिफेरा 30, ये भी दिन में 3 बार लेना है। इसके अलावा कुछ पैटर्न दवाइयाँ आती हैं, जैसे ओविनार्म आती है भार्गवा की, या एलेंस की A90 आती है, ये भी ओवेरियन सिस्ट के लिए होती हैं और बहुत कारगर हैं। इसके अलावा हम अपने यहाँ एक जो मदर टिंचर का मिक्सचर देते हैं जिसमें 3 दवाइयाँ शामिल होती हैं, इसमें पल्सेटिल्ला मदर टिंचर, गोसिपिया मदर टिंचर और जेनोसिया अशोका मदर टिंचर। ये तीनों मदर टिंचर की 1/2 कप पानी में 10-10 बूंद डालनी है और इसको 3 बार पीना है। दोस्तों इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से और कई दवाइयाँ होती हैं, जैसे कलकिरिया कार्ब है,
सीपिया है, पल्सेटिल्ला है, ग्रेफाइटिस है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही दवा होगी वो डॉक्टर उसे चुन करके देते हैं। हम भी अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक दवाई ज़रूर देते हैं। तो दोस्तों ये रहा मेरा वीडियो PCOD के बारे में। आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। नमस्कार।